हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन एक बड़ी तेजी देखने को मिली, जहां पर स्टॉक 5.5% के करीबन की रैली दिखा चुका है और स्टॉक करंट लेवल पर 695 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक टॉप बना था 800 रुपीज का, 800 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में एक टॉप बना है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में नीचे का एक सपोर्ट लेवल था अराउंड 598 रुपीज का, 598 रुपीज का स्टॉक ने नीचे का इस प्राइस को रिटेस्ट किया गया अपने सपोर्ट लेवल को और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। और स्टॉक के अंदर जो ऊपर में एक रुकावट रेंज था उसे आज के दिन स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया गया, जो कि स्टॉक में पहले भी इस प्राइस को टच करने के बाद स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, पर इस बार स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दे दिया गया। यहां से स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 675 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 800 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 675 रुपीज से ऊपर है, स्टॉक के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।